फ्रेंड्स, मैं मम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ संतरे का जैम, जो पराठे या ब्रेड किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संतरे का जैम बनाने के लिए संतरे को हम साफ कर लिए हैं। अब इसे हम बीच से इस तरह से चीरा लगाएंगे और इसका बीज निकाल देंगे। और ये हमारा पल्प निकल गया। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसको हम रहने दिए हैं क्योंकि ये पेक्टिन का काम करेगा, तो इससे हमारा जैम खराब नहीं होगा। इसी तरह हम सारे पल्प निकाल लिए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। ये चार संतरे का पल्प है। पीसने के बाद एक कटोरी में इसे नाप लेंगे। एक कटोरी निकल के तैयार हो गया है। अब एक पैन में हम इसको डाल देंगे। जिस कटोरी से हम पल्प लिए थे उसी कटोरी से हम 1/3 चीनी लेंगे, इसे भी डाल देंगे। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे। दस से 15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। इसमें डाल देंगे हम 1 से 2 बूंद ऑरेंज कलर। इसे कलर बहुत ही प्यारा आएगा। ऐसा तो इसका कलर है ही अच्छा, लेकिन इसे और प्यारा देखने में लगेगा। कलर मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ भी हम थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि दालचीनी का फ्लेवर अच्छे से जैम में आ सके। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो नीचे जल सकता है। अभी ये बहुत पतला लग रहा है, जब ये ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद कितना देखिए ठीक हो गया है। ना कोई केमिकल है, ना कोई मिलावट, और घर में बनाई हुई साफ सुथरी जैम है। इसे आप रोटी या किसी भी पराठे या ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। इस जैम को ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा के आप खा सकते हैं। या तो छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से सैंडविच बना दीजिए और उसे हाथ में पकड़ा दीजिए और फिर बच्चे घूम घूम के खाते रहेंगे।